नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें। चुनाव 24 में चंडीगढ़ में चुनाव विवाद में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी ने मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दिया। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर अरुण सूद ने 3 पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाया। 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला ने दिल्ली में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को बताया फर्जी, कहा पीएम मोदी के कामों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्ण जताई खुशी, कहा यह हमारे लिए गर्व की बात। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 37वां दिन, जयराम रमेश बोले कल अखिलेश यादव भी न्याय यात्रा से जुड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के चीफ खड़गे से मिले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, प्रदेश कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बोले सीएम चंपई, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, सरकार पर नहीं पड़ेगा फर्क। झारखंड के नाराज विधायकों को मनाने में जुटी कांग्रेस। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दिल्ली में की मुलाकात। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले विधायक सरकार से नाराज नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों से लिए दिल्ली आए। सीट बंटवारे पर रांची में बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, चीजें तय हो रही हैं, देश भर में सीटों की घोषणा होगी। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का बयान, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में मेरा कोई रोल नहीं। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर नीतीश राणे का बयान, राहुल की मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है, देश मोदी की गारंटी पर कर रहा विश्वास। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा, कहा अशोक चव्हाण की कमल थामने से साफ हुआ बीजेपी की असली बी टीम कौन। महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों का सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया, कहा सियासी सेकुलरिज्म को नहीं माने मुसलमान। सपा महासचिव सलीम शेरवानी ने दिया इस्तीफा, राज्यसभा चुनावों में मुस्लिम कैंडिडेट ना बनाने पर किया रिजाइन। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार पर बोले रामगोपाल, जोड़ तोड़ काम नहीं आएगी, हमारा उम्मीदवार जीतेगा चुनाव। सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने वाले जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर अटैक। अजित गुट के एनसीपी ने अल्पसंख्यक विश्वास सम्मेलन का किया आयोजन, अजित पवार ने किया संबोधित। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अल्पसंख्यक समाज को दिया भरोसा, कहा आपके विकास के लिए बेहतर कदम उठाएंगे। सपा नेता अबू आजमी ने यूसीसी के इस्लाम के खिलाफ बताया, कहा नफरत पैदा कर वोट लेने की हो रही कोशिश। सपा सांसद डिंपल यादव बोली यूसीसी के नाम पर बीजेपी देश के जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती। सीपीआई महासचिव डी राजा बोले देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हर हाल में चुनाव हारना होगा। सीएम योगी के काफिले के रास्ते में सांड आने की तस्वीर को अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, लिखा आम जनता का सफर कितना जोखिम भरा होगा।